Hello everyone, today we are going to discuss another cue card, that is describe a time when the weather condition forced you to change your plan. कि कोई ऐसे समय की बात करनी है जब weather condition की वजह से हमें अपना plan change करना पड़ा हो. In this cue card you should say when it was, कि ये कब हुआ था, how the weather condition was, मौसम उस time पे कैसा था, and explain what you did once you changed your plan. And हमें explain करना है कि हमने जब अपना plan change किया उसके बाद हमने क्या किया. So let's start with a sample answer. Usually, I plan my activities very carefully, yet sometimes things don't go as intended and one has to change one's schedule. Normally, मैं जो अपनी activities है बहुत ही ध्यान से बहुत अच्छे से plan करती हूँ, but कभी कभार things ऐसी हो जाती हैं कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता और हमें अपना plan और अपना schedule change करना पड़ता है. I vividly remember when I altered my plan last month due to the detrimental weather conditions. मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने अपना plan change किया था last month, क्योंकि जो weather था बहुत ही खराब था. इट वॉज अ रेनी डे एंड इट रेन्ड हैवली द होल डे. वो एक बारिश का दिन था और पूरा दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. आई हैड अ प्लान टू गो ऑन अ ट्रिप विद माई फ्रेंड्स. मेरा प्लान बना हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाने का. After college, we all got busy with our lives that we had no time to meet each other. So, on my birthday last month, I thought about inviting all my friends for a trip. जब मेरे कॉलेज ख़त्म हो चुका था उसके बाद हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके थे कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था एक दूसरे को मिलने के लिए. सो मेरी बर्थडे जब आया लास्ट मंथ तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सारे फ्रेंड्स को ट्रिप के लिए इनवाइट किया जाए. Although I gave it the name of a birthday celebration, but it was more of a get together for all of us after 2 years of college. हालांकि मैंने इसको जो नाम दिया वो बर्थडे सेलिब्रेशन का था, बट ये हम सब फ्रेंड्स के लिए एक तरीके का गेट टुगेदर था हमारे 2 साल कॉलेज के बाद. The best part was that my birthday was falling on Sunday, so no one had to apply for leave from their work. सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मेरा birthday था वो Sunday को आ रहा था, so किसी को भी leave apply करने की ज़रूरत नहीं थी अपने काम से. We all were excited to spend time together. हम सब लोग बहुत excited थे time spend करने के लिए एक दूसरे के साथ. Everyone gave suggestions regarding where we should go. The final decision was taken with everyone's mutual consent. सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि हमें कहाँ पे घूमने जाना चाहिए. जो final decision था वो ये सबकी सहमति से लिया गया. वी एग्रीड टू गो टू शिमला विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश. हमने सब लोगों ने राय की कि हम शिमला जाएंगे जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी है. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स एंड सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2200 मीटर्स. इस शिमला को नॉर्मली पॉपुलरली हम एज अ क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानते हैं एंड ये 2200 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है. द सिटी इज लोकेशन एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस अमिड ग्रीनरी एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स मेक्स इट आइडियल फॉर ट्रैकिंग. ये ऐसी जगह है जहाँ पे हिमालयस के फुट हिल्स पे ये लोकेटेड है और बहुत सारी ग्रीनरी है और जो माउंटेन्स हैं वो बहुत स्नो से कवर होते हैं. सो दिस इज़ काइंड ऑफ द बेस्ट प्लेस ट्रैकिंग करने के लिए. इन विंटर्स द इंटायर सिटी गेट्स कवर्ड इन स्नो एंड टूरिस्ट कैन इंजॉय आइस स्केटिंग एंड स्कीइंग. सर्दियों के टाइम पे सारी की सारी जो सिटी है वो बर्फ में ढकी जाती है और टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं आइस स्केटिंग करके और स्कीइंग करके. We all were super excited to visit this place and enjoy our weekend. हम सब लोग बहुत excited थे कि हम इस जगह पे जाएं और अपना weekend enjoy करें. We gathered at my house as we had planned to go from here together in my dad's car. हम सब लोग friends मेरे घर पे इकट्ठा हो चुके थे early morning में और हम क्योंकि हमारा जो plan था वो ये था कि हम मेरे घर से इकट्ठे होके जाएंगे मेरे dad की car में. Unfortunately, in the morning when we were about to leave, it started to rain. But बदकिस्मती से जब morning में हम निकलने वाले थे तो तभी बारिश होना start हो गई. We decided we would wait some time for the rain to stop and then we would continue. तो हम लोगों ने decide किया कि हम कुछ time wait करते हैं बारिश के रुकने का और फिर हम continue करेंगे. However, to our astonishment, it started raining cats and dogs and then it went on for about 4 hours at a stretch. But हमें सबसे हैरानी इस चीज़ की हुई कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गई कि वो लगातार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कंटिन्यूसली 4 घंटे वो बारिश चलती रही. We were stuck at my home. हम सब लोग मेरे घर के अंदर फंस चुके थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे. The weather condition forced us to abandon the tour and stay at home. Weather condition इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि हम लोग फोर्स हो चुके थे कि हम अपने टूर को कैंसिल करें और घर पे ही रहें. No doubt we were a little sad, but we decided not to let it ruin our day.
हालांकि हम थोड़े से सैड थे बट हमने डिसाइड किया कि हम अपना दिन उसकी वजह से ख़राब नहीं करेंगे. सो वी डिसाइडेड टू वॉच अ मूवी. सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक मूवी देखें. माई मदर प्रिपेयर सम होम मेड स्नैक्स फॉर अस. मेरी मदर ने हमारे सब लोगों के लिए, मेरी मॉम ने हम सब लोगों के लिए होम मेड स्नैक्स बनाए. माई मदर प्रिपेयर सम होम मेड स्नैक्स फॉर अस. मेरी मॉम ने हम सब लोगों के लिए होम मेड स्नैक्स बनाए. वी सैट इन माई रूम एंड एन्जॉयड द मूवी. आफ्टर द मूवी वी प्लेड गेम्स एंड गॉसिप्ड. हम लोग मेरे रूम में बैठ के हमने मूवी एन्जॉय की और मूवी के बाद हमने कुछ गेम्स प्ले की और हमने बहुत सारी बातें की. वी शेयर स्टोरीज विद ईच अदर अबाउट आर लाइफ. हम सब लोगों ने, क्योंकि हम इतने टाइम के बाद मिले थे, सो हम लोगों ने अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से स्टोरीज शेयर की. इट फेल्ट सो गुड टू टॉक टू देम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से बात करके इतने लंबे समय के बाद. इन द इवनिंग द रेन स्टॉप्ड एंड वी वेंट आउट फॉर एन इवनिंग वॉक. इवनिंग में जब रेन रुक चुकी थी तो हम लोग शाम को घूमने के लिए, इवनिंग वॉक के लिए बाहर गए. दे ऑल स्टेड एट माई हाउस दैट नाइट. उस रात को वो सब लोग मेरे घर पे ही रुक गए. नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन संडे, इट वॉज माई बर्थडे. नेक्स्ट मॉर्निंग संडे था और मेरा बर्थडे था. एंड ऑल माई फ्रेंड्स एंड माई पेरेंट्स सरप्राइज मी एट 12 AM विद अ केक एंड गिफ्ट्स. रात को 12 बजे मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे पेरेंट्स ने मिलकर मुझे सरप्राइज किया केक के साथ और बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे टिल डेट. ये आज तक का मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे था क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स एंड मेरी फैमिली सब मुझे इकट्ठे होकर सरप्राइज दे रहे थे. दो आर इनिशियल plan was ruined due to sudden weather change. Nevertheless, I really enjoyed my time with my friends. हालांकि हमारा जो पहले वाला जो plan था वो खराब हो गया था weather condition की वजह से, weather में change आने की वजह से, but फिर भी मैंने अपना time बहुत ज़्यादा enjoy किया अपने friends के साथ. So this is the end of our cue card. Thank you for watching.